okay dear the next topic in the chapter number 8 that is the credit or deposit creation the most important function of the commercial bank is credit creation the amount deposited by the people is not withdrawn immediately by them so bank keeps only a small part of its reserve and lend the rest of the amount to earn interest this process is based on the assumption that most of the transactions are carried out through checks rather than cash क्रेडिट क्रिएशन ऑन डिपॉजिट क्रिएशन क्या होती है मैं थोड़े से सिंपल वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ फॉर कि आप लोग इसको अंडरस्टैंड करें अगर फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग वहाँ पर बैंक में पैसा जमा करते हैं सही है उस बैंक में उस बैंक में जब पैसा जमा करते हैं तो उसका एक ख़ास परसेंटेज हो जा होता है कि बैंक उस परसेंटेज के बेसिस पे वो कुछ अपने पास रिजर्व रखते हैं वो जो पोर्शन अपने पास रिजर्व रखते हैं इसको वो डिमांड के लिए यानी तो मीट द डिमांड ऑफ द डिपॉजिटर फॉर एग्जाम्पल एक डिपॉजिट को पेज को जरूरत पड़ती है तो वो वहां से उस रिज़र्व से जो उन्होंने रखा है परसेंटेज उससे वो उसको पे करते हैं लेकिन जो रिस्ट ऑफ द अमाउंट होती है वो नहीं देते वो अपने पास रखते हैं और वो यूज़ करते हैं एज अ लोन और उसी लोन पे वो इंटरेस्ट कमाते हैं तो इस किस्म का जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं डिपॉजिट क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन अगेन मैं समझाता हूं कि अगर फॉर एग्जांपल मिस्टर ए है मिस्टर ए बैंक में जाता है डिपॉजिट करता है फॉर एग्जाम्पल उन्होंने टेन लाख रुपये डिपॉजिट किया मिस्टर बैंक में। उस 10 पर एक परसेंटेज होता है और वो परसेंटेज भी स्टेट बैंक की तरफ से मुकर होता है वो एक परसेंटेज उसमें इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है वो उस परसेंटेज के बेसिस पे जो कमर्शियल बैंक होता है वो कुछ पोर्शन अपने पास रिजर्व रखता है और वो रिजर्व इसलिए रखता है कि अगर क्लाइंट को मीन्स के डिपॉजिटर को अगर पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो वो उससे ले ले सकते हैं या बैंक उस रिजर्व से उसको दे सकता है उसके पास होनी चाहिए और जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट होती है वो बैंक यूज़ करता है एज अ लोन और उसी पे वो क्या करते हैं इंटरेस्ट लेते हैं अगर फॉर एग्जाम्पल सारी अमाउंट उसको वापस कर दे तो फिर बैंक तो ट्रेडिंग नहीं कर क्योंकि बैंक तो जब ट्रेडिंग करता है जो चलते है, वो तो लोगों के पैसे पे लोगों के डिपॉजिट पे चलता है उनके पास तो खुद अपना पैसा नहीं होता तो अगर वो सारी अमाउंट फॉर एग्जाम्पल एक बंदा जमा को सारी अमाउंट निकाल दे तो बैंक के लिए कोई फायदा नहीं है बैंक के लिए ये फायदा होता है कि उसका कुछ परसेंटेज जो होता है वो अपने पास रखता है टू मीट द डिमांड ऑफ द डिपॉजिटर दैट द डिपॉजिटर कैन विद्रॉ एनी टाइम फ्रॉम दैट अमाउंट लेकिन द रेस्ट ऑफ द अमाउंट प्रोवाइडिंग एज अलोन टू द पीपल टू अर्न द इंटरेस्ट सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड

Okay.